बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग, तो सॉरी फॉर दैट, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया अपना व्लॉग। कुछ काम था, अपना पर्सनल कुछ काम आ गया था, इसलिए हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो इस टाइम स्पेन में अपना GT जो था अपग्रेड हो गया है, उसका एक लुक आपको दिखा देते हैं। हियर सीज, ये रहा, तो अच्छा सा नाम कोई सजेस्ट कर दीजिएगा। मैं सोच सोच के साला हैरान हो गया हूँ कि क्या नाम रखें। मेरा दूसरा जो एक अपाचे RTR 200 है, उसको मैं यूजुअली पेगासस बुलाता हूँ। तो आते हैं, आज मुद्दे की बात करते हैं। जो है वो एक पार्सल आया है, तो ये पार्सल है ट्रिप मशीन की होगा तरह। मेजोरिटी को के ट्रिप मशीन क्या बनाता है, तो वो नॉर्मली बाइक के पार्ट्स बनाते हैं, जैसे कि हैंडल बार का ग्रिप हो गया, और फिर टैंक टैंक पैड हो गया, और भी थोड़ा बहुत सामान वो बनाते हैं। तो उन लोगों से मैंने एक ऑर्डर किया था जो है अपने GT के लिए। चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इनका क्वालिटी कैसा है। मैंने एक दिखा देते हैं आपको। आप देख पा रहे हैं या नहीं, ये रहा टैंक पैड, ये रहा टैंक पैड, लेदर डायमंड ब्लैक ऑर्डर किया था। ये मुझे पड़ा 1899 का। हियर इट इज़, 1899। चलिए इसको अभी ओपन करते हैं। अपने पास ओपन करने के लिए कोई टूल नहीं है, तो हाथ का सहारा लेंगे। तो ये कुरियर आया ब्लू डार्ट की तरफ से। देखिए ऐसा हालत है कि अपने को मदद करने वाला भी कोई नहीं है आसपास, सब अकेले करना पड़ता है। अभी इसको इधर रख देते हैं। पैकेजिंग तो बस सही है, का ब्रांडिंग किया हुआ है। आई थिंक इट्स नॉट विजिबल टू मच। ओके, इसको फटाफट ओपन करते हैं। चलिए ठीक है, एक हाथ से कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं इसको ओपन करके मिलता हूँ आप लोगों से। ये ट्रिप मशीन एक राइडिंग कल्चर रिलेटेड चीज़ें बने, पैटर्न्स सब बना हुआ है ऊपर कवर में। चलिए ओपन करते हैं इसको, देखते हैं कैसा है। कुछ कागज़ कार्डबोर्ड टाइप का कुछ चीज़ है, मतलब स्टिकर हो सकता है। हाँ, एक स्टिकर भी है। हियर इट इज़, द ट्रिप मशीन कंपनी, थैंक यू। आप लोगों को भी थैंक यू, ट्रिप मशीन इतना अच्छा चीज़ हम लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। और कुछ कागज़ वगैरह इसको साइड में रख देते हैं अब। और ये तो आपको पता ही होगा, ये है असली माल। तो ये नॉर्मली ये शायद उल्टा है। अरे बाप रे, गिर गया गिर गया, सॉरी। तो ये लगता है इधर को। चलिए, हम लोगों को मदद करने वाला है नहीं कोई। कैमरा बंद करते हैं। तो अभी इसका लुक ऐसा आ रहा है, क्वाइट अपीलिंग, आई लव दोज टैंक पैड्स। थैंक यू ट्रिप मशीन अगेन, इतना एक अच्छा प्रोडक्ट भेजने के लिए। इसका जो सिंगल सीट काउल लगाया हमने, बहुत इसके पीछे कशमकश है और बहुत मतलब मेहनत है। आपको पता चलेगा हमारे दूसरे व्लॉग में, एक मैं एक व्लॉग स्किप कर रहा हूँ भी, तो
दूसरे ब्लॉग में आपको डिटेल में बताते हैं कहाँ से मैंने लिया है और कितने का पड़ा, कहाँ से इंस्टॉल किया, उसका भी वीडियो में अटैच कर दूँगा। तो ये मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, मुझे लगाना था सीट काउल क्योंकि एकदम कैफे रेसर लुक के लिए। तो ये दो पार्ट में आता है, एक पार्ट में रहता है उसका काउल जो रहता है और दूसरे पार्ट में रहता है उसका सीट। तो ये काउल निकलने वाला है, कुछ नहीं बस एक प्लास्टिक का पार्ट है। और ये रहा सीट सोनू के हाथ में। गलती से इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो छूट गया, मतलब फुटेज नहीं रिकॉर्ड कर पाया। तो ये ऐसे लग जाता है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। सीट खोलना पड़ता है, फिर इसको जॉइंट करके लगा देना होता है, ऐसे बस दबाने से हो जाता है। तो ऐसा है, कुछ अलकांटारा टाइप का फिनिशिंग है ऊपर, तो ऐसा दिख रहा है अभी, मस्त है। मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ परचेज। दैट्स इट, आज का वीडियो यहीं तक था। एक छोटा सा अनबॉक्सिंग और अपने जीटी के लिए एक छोटा सा प्रेजेंट, गिफ्ट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इट्स ध्रुव ज्योति मंडल साइनिंग ऑफ।